तो ये देखें भाई अभी भी जो मास्टर जी का एक सरकारी उस पे रहते हुए पद पे भी लेकिन ये शौक पशुपालन का अभी भी नहीं गया और जैसे होता है चोर चोरी करना छोड़ सकता लेकिन <laughs> नहीं छोड़ सकता तो ये देखें भाई अगर हम बात करें तो ये एक कंपटीशन लड़ने वाली जोटी है यानी कि ड्राई का कम्पिटिशन के लिए अभी जो मास्टर जी है इसको तैयारी कर रहे हैं में अभी ये टाइम भी होगी जी सेकंड टाइम में भी आएगी तो फर्स्ट टाइम ने कितना दूध दिया अठारह प्लस दूध दिया है जी

आप लोगों को बात बता दूं मेरा प्रयास तो हमेशा यही रहा है जो युवा साथी अपने चैनल से जुड़े हैं जो किसान साथी अपने चैनल से जुड़े हैं उनको अच्छा सीखने को मिले नया सीखने को मिले और उससे सीख करके अच्छा अपना वो भी डेयरी फार्म चला सके अच्छा व्यवसाय कर सके और अच्छे अच्छे लोगों से मिलाने का भी मेरा प्रयास रहता है ताकि उनका अनुभव जो युवा साथी हैं सीख सके और आगे बढ़ सके आज उसी कड़ी में इस वीडियो में जो युवा साथी जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आज अभी फ़िलहाल जो मैं हमारे मास्टर जी हैं नसीब मलिक जी उनसे आप लोगों को मिलाऊंगा और उन्होंने एक अच्छा डेयरी फार्म भी अच्छा चलाया है और कैसे उन्होंने डेयरी फार्म चलाया कैसे उनकी डाइट प्लान रहती थी कैसे उनका शेड्यूल रहता था और कैसे वो साथ की साथ पढ़ाई करी तो ये सारी चीज़ें भी आप इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो इससे पहले मिलाते हैं जो हमारे मास्टर जी नसीब जी हैं नमस्कार नौ, जी नमस्कार जी भाई साहब आपका नसीब मलिक डेयरी फार्म पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद आभार धन्यवाद जी नमस्कार जी मैं नसीब मलिक शारीरिक शिक्षक अध्यापक हूँ जी बापुड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और पहले का दो में मेरी ज्वाइनिंग हुई है उससे पहले मैं पशुपालन का ही काम करता था जी तो ये देखें भाई अभी ताज़ा ही यानी कि 2020 में ही टीचर बने हैं उससे पहले यानी कि डेयरी फार्म का बहुत अच्छा काम था वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पहले था और मैं मास्टर जियों से बात करूं तो शायद आज से पाँच साल पहले मैं मास्टर जियों के पास आया था तो उस टाइम पे अठारह में हाँ तो उस टाइम में काफ़ी मास्टर जीओ का इधर नाम था मास्टर जी तो अभी कहने लगे हैं नसीब के नाम से लोग जानते थे और काफ़ी अच्छी उम्दा क्वालिटी का पशुधन इन्होंने शुरू से ही रखने का शौक रहा है फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर काफ़ी अच्छे अच्छे ब्यासी उस टाइम में भी नाम था तो इस टाइप का पशुधन देखने को मिलता था आज भी एक पशुधन आप लोगों को दिखाएंगे जो सेल के लिए हो भी दिखाएंगे सारी बातें मिलेंगी लेकिन इससे जो पहले जो सर जी का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप भी उनसे सीख करके एक अच्छे इंसान बन सको और कामयाब हो सको तो मास्टर जी ये बताएं डेयरी फार्म की कौन सी में करी थी डेयरी फार्म की शुरुआत तो प्रवीण भाई मैंने 2013-14 में करी थी जी उससे पहले मैं दो तीन दो तीन बैस रखा करता एक आम पशुपालक की तरह से अच्छी रखा करता लेकिन जी जी शौक काफी पहले से है जी मैं प्लस वन में था उस टाइम पर शौक हो गया था जी मैंने जी और प्लस वन में जैसे मैं पापा जी के ऊपर का हो गए न्यू चीज पसंद लग गया था लेके आएंगे हाँ तो मेरे फादर भी जो है शारीरिक शिक्षक अध्यापक थे जी अच्छा और मेरी मदर भी टीचर थी अच्छा लेकिन आपका पशुपालन में हाँ जी तो घर पे पशु वैसे रखते थे पिताजी पिता जी रखते थे जी, वो भी अच्छी रखते थे दूध पीने के लिए लेकिन अच्छी दूध आरोप उस टाइम पे न्यू था बैठी का तो इतना ज्यादा वो कौन था दूध पर कॉन्सेंट्रेट कराया करते अच्छा ज्यादा न्यू ब्रीडिंग की तरफ भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे क्यूँकी उस टाइम पर इतना ज्यादा वो था नहीं सोशल मीडिया का उनका जी बाकी अच्छे हमेशा लेने की सोची है अच्छी है तो आपने मतलब बताया कि दसवीं ग्यारहवीं मी में थे जब ही पशुपालन का काम हाँ का शौक का सो, हो गया था जी तो ये बताएं सर आपने कितने उस टाइम में कितने केजी का पशुधन रखा फर्स्ट में प्रवीण भाई बाईस तेईस किलो दूध के तो बहुत बार बहुत पशु रहे हैं बाईस तेईस के जी दूध के हाँ जी अच्छा और अगर एच की बात करा जी तो 18 किलो पांच सौ तिरासी ग्राम खरकी जो टीका एच एल डी बी में

तीस ग्राम तलवाया तो है जी बाईस के जी चार सौ तीस ग्राम तो है। बामले देते था मेथी देते थे चना देते थे तो क्वांटिटी कितनी रहती थी गुड़ चने की तो नसीब सर आपने अभी ये पशुधन दिखाया बहुत अच्छा तो ये कौन से है अभी ये सेकंड टाइम भी होगी जी सेकंड टाइम में आएगी तो फर्स्ट टाइम ने कितना दूध दिया अठारह प्लस दूध दिया है जी

ठीक है तो सर जो आपने युवा साथी जुड़े हुए हैं अपने चैनल से काफ़ी उनको सीखने को मिले तो उस टाइम में आप एक डेली रूटीन रखते थे और निवास के टाइम में जो दूध तुलवाने जाते थे तो उस टाइम में डाइट का क्या आपका प्रोसीजर रहता था क्योंकि आपसे अच्छा आज कोई नहीं बता सकता क्योंकि न तो आपके कोई लोभ है न कोई आपने पशु बिक्री करना है न कोई और एक आप सरकारी टीचर पर कार्य कर तो इसलिए ये आप जानकारी जो दे सकते हो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रह सकती है प्रवीण भाई कदे भी गोली दवाइया में और क्या है मैं तो विश्वास कराया नहीं जी हमेशा अपनी जो देसी डाइट है उस पर भी यकीन करा जी खल चूरी दलिया बिनोले जी यही चीज करता जी सरसों की खल होगी अच्छा तो ये चीज डाल्या करता जी हमेशा गुड़ हो गया मेथी होगी जी ज्यादा से ज्यादा न्यू है अगर जब कोई भैंस मानती तो गुड़ और तेल की आउटी दे देते जी गुड़ और तेल की आउटी दे देते बस इसके अलावा कुछ नहीं बाकी तो प्रवीण भाई ये सारी खाम खा की बात है दूद तो दूध काटेगी तो युवा साथियों तो को ये कहने की जरूरत है कि की भ्रमित होने की जरूरत नहीं है आप भी अच्छा दूध निकाल सकते हो सिर्फ आपने अच्छी नस्ल की पहचान करनी है और जो मास्टर जी ने बताया है कि दलिया है बिंदोड़ा है गुड़ है चना है मेथी है तो ये जो हमारे संतुलित आहार अगर पशु को मिलते रहेंगे तो आपका दूध का प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा कद तो, तो प्रवीण भाई कदे भैंस का मुंह पकड़ेगा कोई चीज नहीं दी जो खा लिया वो खा लिया खा लिया वो खा लिया ज्यादा जबरदस्ती कदे कदे करिए नहीं स्ट्रेस में आती है आता है पशु से और जबरदस्ती हम न्यू सोचते भी को नहीं अगर भैंस में कैपेसिटी है तो अपने आप दे देगी जी कोई भी पशु है तो जैसे देखो आप न्यूवास में लगाते थे उससे पहले आपने जैसे दूध तोलते थे मान ले बीस है बाईस है तो उसके बाद अगर आप उधर लेके जाते थे तो कई बार पशु कम करता था या उधर ज़्यादा हमेशा कम, कम प्रवीण भाई जैसे घर पे तुल के जाता था एक बार मैं सीआईआर बीस आर चला गया जी 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 यहाँ पे साढ़े तेईस किलो दूध दु, दोनों दु, टाइम का तोला जी जी और वहाँ पे जाकर बैंस ने को लगाया जी अच्छा तो वो बल्कि सुमेश भी लेकर जा रहा था उस टाइम पर मैं अपनी सुमेश भी लेकर जा रहा था जी और जयसिंह की भी लेकर जा रहा था जयसिंग जयसिंग भाई मेरे जा कोई फायदा को नहीं हाँ। मैं तो दंगल में मगा उल्टे हाँ। को नहीं बता देगी उतना देगी ठीक है ठीक है बीस किलो कुछ ग्राम दिया जी उसने बीस किलो दो सौ ग्राम के आसपास जी उसके बाद में यहाँ पे लिया आया जी आते ही मनाने की नुमाइश आ गई जी उस दो तीन दिन पात्रा ठीक है उड़े तो मुँह घंटे क्या जी और मनान है अपना एक मित्र है विजेंदर हाँ। उसके करता है ईसा काम हो गया जी ना तो क्या मैं छोड़े जी उड़ा है हाँ। तो जी, जी, जी उड़े उस सफेदे के नीचे जाकर खड़ी होगा अपने आप अच्छा हाँ। वहां पर बाईस किलो प्लस दूध निकला जी उधर बाईस किलो हाँ और खाती उधर भी कम थी नहीं फुल खाया करती वहां इशार नहीं खाया जी कुछ इशार नहीं खाया तो उस टाइम पे आपने जैसे आपने बताया भी गुड़ देते था मेथी देते थे चना देते थे तो क्वांटिटी कितनी रहती थी गुड़ चने की गुड़ तो प्रवीण भाई जैसे डेढ़ किलो हो गया दो किलो हो गया खान की कैपेसिटी खान की जितनी हुआ करती उतना ही खवा दिया गरती। जितना खुश होकर खाओ खावा हाँ जितना खुश होकर खाया करती और मेथी मेथी आधा किलो के आसपास मेथी आधा किलो ढाई सौ ग्राम सुबह और चना उबाल के देते थे या कच्चा चना उबाल के दिया करता जी उबाल के 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 बना तो ये देखें भाई जो आज सबसे पॉपुलर अपना फार्मूला है और सभी लोग पसंद भी करते हैं मैंने हमेशा दोस्तों अपने जो माँ बाप से सीखा है या जो पशुपालकों से सीखा है वही आप लोगों को बताया और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं प्रवीण भाई जो आपने बताई हुई बातें आज हमारे को उस फार्मूले का काफ़ी मज़ा भी आ रहा है उससे दूध भी काफ़ी प्रोडक्शन मिला है और आज उसी कड़ी में सेम टू सेम जो आज नसीब सर ने भी अपने को वही बताया के भाई चने को गुड़ को और कैसे देना है ये तरीका आपने सीखना है यानी कि चने को उबालना है बाकड़ी बनानी फिर उखड़ मुछड़ में कूट के हाँ। और उसको देना है रही क्वांटिटी की बात जो युवा साथी होते हैं क्या करते हैं पैया आधा के जी गुड़ दे देते हैं और उसको ही काफी मान लेते हैं यानी कि अच्छा पशु की उसमें कैपेसिटी है तो आप एक डेढ़ के जी तक हाँ, आप गुड़ को खिलाना भी चाहिए और खासकर सर्दियों हाँ, के मौसम में के तो, में मौसम तो जरूर खिलाना गुड़ बहुत ही फायदेमंद है है बिल्कुल खिलाना चाहिए ठीक तो सर ये आपका आ, काफी अच्छा डाइट प्लान हमारे को भी देखने को मिला तो जैसे हम सेब की बात करते हैं सेब खिलाते हैं और गाजर वगैरह खिलाते हैं भले इनसे दूध बढ़ता है तो आप सेब भी खिलाते थे नहीं कभी नहीं खिलाए अच्छा भाई ठीक है सेब नहीं खिलाए सेब अच्छा अगर जब सर्दी का मौसम हुआ करता तो मैं थोड़ी सी चार पांच बड़ी इलायची कूट कर तो जरूर खिलाया करता अच्छा भैंस ने उससे ताकि उससे थोड़ी सी गर्म बनी रहे भैंस भैंस के के लागने का जुगाड़ ना रहे है, और तो सर्दी गर्माश में, अंदर तक गर्म में ना, उतना ही ज्यादा दूध निकालेगी जी देखो दोस्तों अभी बता देता हूँ जैसे सर्दी का मौसम है अगर पशु को ठंड लग जाती है जैसे बड़ी इलायची बताई वैसे चार पांच बताई है चार पांच इलाचियों से कुछ नहीं होना आप तीस से चालीस ग्राम डेली तीन चार तीन चार दिन लगातार बड़ी इलायची कूट के दे सकते हो और अच्छा है, वी वेट का पशु है तो आप 50 ग्राम तक भी आपका पशु ओढ़ सकता है गुड़ में कूट के मिला के बड़ी इलायची देने से ठंड भी बचेगी और पशु की भूख भी ज्यादा लगेगी दूध में भी, भी अच्छा भी दि दिखाएगी पानी भी ज्यादा पिलाएगा तो ये तो काफी जो भाई आपको बताने वाली बात थी और जो मास्टर जी का आज भी उनके एक फार्म पे अच्छा पशुधन है उसकी भी पूरी डिटेल दिखाते हैं और उसका पशुधन दिखाते हैं ये देखें भाई अगर हम बात करें तो ये एक कंपटीशन लड़ने वाली जोटी है।, है ड्राई का कंपटीशन के लिए अभी जो मास्टर जी है इसको तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को इसकी खूबी दिखा देता हूँ और आप भी बताना क्या ये मेले में लगने वाली है या नहीं है गर्दन की लंबेट देखो कितनी लंबेट है यानी कि वी शेप जोटी ने ली है यानी कि पशुधन जो बोलते हैं मुर्रा के लक्षण के आगे से बीड़ी और पीछे से चोड़ी उसी तरह और भाई जो एक पीठ पुटर की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही सुपर पीठ पुटा की चौड़ाई और आप लोगों को बात बता दूं मत्तर। दूसरे ब्यात की ये जोटी है दोस्तों और टैल देख सकते हो कितनी अच्छी टैल है और थनों से आप खुद आइडिया लगा लगा सकते हो कि भाई बहुत अच्छी चुवाई दुआई की ये रही होगी ये ये देखें एक बार आपको मैं टैल और दिखा देता हूं एक बार

अच्छा और अब में तोड़ रही है जी अभी में हाँ। तो, तोड़ रही है ठीक है तो ये ये बात और बताइए आपने भाई फर्स्ट टाइमर अठारह के जी दूध दिया और अब की बार सेकंड टाइमर की क्या है? आप सोच रहे हो कि इतने दूध बाईस तेईस किलो दूध तो देखो प्रवीण भाई देना चाहिए बाईस तेईस के जी दूध भाई देना भी चाहिए जो अठारह हाँ। के जी दूध फर्स्ट टाइमर ने दिया है और जिस तरह से जोटी की लंबेट और हाइट देख पा रहे हो भाई बिल्कुल मतलब कोई कमी नहीं कह सकते हैं है है, हाँ हाँ। है। हाँ। तो ये देखें भाई अभी भी जो मास्टर जी का एक सरकारी उस पे रहते हुए पद पे भी लेकिन ये शौक पशुपालन का अभी भी नहीं गया है तो शौक तो एक बार जिसको लग गया नहीं है चीज ही ऐसी है भाई कोई भी अच्छा पशुधन दिख जाएगा तो चाहे वो खाट में पड़ा हो तो उसको देखेगा जरूर लेके भी आने की कोशिश करेगा और जैसे एक का होता है चोर चोरी करना छोड़ सकता लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता तो वैसे ये डेयरी फार्म किए हुए मास्टर जी को चाहे भाई सरकारी नौकरी भी मिल गई लेकिन फिर भी पशुधन रखने का शौक अभी तक गया नहीं बेहतर होना भी चाहिए ये शौक क्योंकि एक पशुधन रखने का अपना आग भी बनता है अच्छा दूध बच्चों को मिल जाता है तो बहुत अच्छी ये चीज़ की हम भाई ओके सोच सकते हैं तो सर एक गाय भी अपने पास जी सर एक गाय है ये कितने के जी दूध की है

सेल कर देंगे प्रवीण भाई न्यू सोचा ब्याज पे सेल पे करा हाँ तो अभी अगर कोई साथी लेना चाहे तो अभी कोई अगर अच्छा बायर होगा तो देख लेंगे प्रवीण भाई अच्छा अच्छा ठीक है नहीं तो बैठ के ऊपर ही हाँ, नहीं तो बैठ के ऊपर देखेंगे प्रवीण भाई ठीक है उसका ये फायदा होता है हाँ। अगले का भी बेटा भर भर जाए जाए और अपना भी जी अगले का भी बेटा भर जाए ठीक हाँ। है बहुत अच्छी बात बताई सर और आपने तो सर ये अभी ज्ञापन है ये क्या तारीख को बहने का ब्यात पड़ेगा जी ये तेईस फरवरी को इसके दिन कम्प्लीट होंगे जी तेईस फरवरी को यानी कि बहुत ही तगड़ा ब्यात बढ़ने को जा रहा है उस टाइम पर पशु बहुत कम बैठते हैं और वैसे ही पशु की बहुत ज्यादा कीमत भी बढ़ जाती है अप्रैल ने और तेईस अप्रैल ने दो दिन इसकी ए आई करवाई थी जी ठीक है तो सर आपने अच्छी बात बताई और ए आई कौन से सिमन कराई अभी मैं तो के सिमन की है प्रवीण भाई देख देखना पड़ा रिकॉर्ड नहीं देखा बिल्कुल भी ये वो मैं था नहीं यहाँ पे अच्छा। और बच्चों ने करवाई थी डॉक्टर को ये बोला था कि एच एल डी बी के एच एल डी बी के सिमन की वो हाँ। क्या कारण है सर एच एल डी बी के सिमन की ही करनी है प्रवीण भाई एच एल डी बी के सीमनो का रिजल्ट है हाँ जी हमेशा जितने भी एच एल डी बी के रिजल्ट है ना वही दुदारू है बाकी तो जो प्राइवेट बुला की है ना

ये आप चैनल को नहीं देखते थे आपको पता होगा इससे पहले कभी कोई एच को दिखाने की कोशिश भी नहीं करता था प्राइवेट बुलों की दो मौत थी क्योंकि जैसा बुलाया जाता वैसे बोला जाता था और नहीं बोलते थे तो कह जाता था कि यह बोलना है तो इस टाइप की बातें चलती थी लेकिन मैंने ये कोशिश करी है जैसा भी किसी का पशुधन हो चाहे वो प्राइवेट बैसे हो प्राइवेट बुल की सीमन की हो चाहे अचल डीबी के जैसा अच्छा लगे वैसा दिखाने की कोशिश करी ताकि जो मेरा किसान साथी है युवा साथी उस पशुधन को देख करके कैसा रिजल्ट है उन सिम का प्रयोग कर सके बुरा है तो उसको उसी दिन काटा मार दे अच्छा लगे तो उस का आप जरूर प्रयोग करें वैसे ही मास्टर जी ने किया तो सर इसका भी कोई पता है ये कौन से प्रवीण भाई एच एल डीबी के सीमन की ही बताई थी इसका बाकी रिकॉर्ड तो पता नहीं चला मेरे को है एच एल डी ये बताई थी उन्होंने यही की एच एल डीबी के सीमन की ही है देखो दोस्तों बहुत अच्छी बात है भाई जो पता नहीं है तो उस चीज का बताया नहीं जाएगा लेकिन जिस चीज है उस चीज का मास्टर जी जरूर आप लोगों को बताएंगे दूसरी रही बात है कि भाई की तो हमारे को कुछ हाँ, देना और हमारे को प्राइवेट वालों से दिक्कत है लेकिन जैसा भाई खुशी की बात यह है कि मात्र रुपए का हाँ, उपलब्ध हो जाता है और किसान का बहुत अच्छा मतलब रिकॉर्ड भी एक बन जाता है बिल्कुल सही बात है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद सर तो एक और बात बताए सर जो युवा साथी जुड़े हुए हैं उनको आज आप इसे मलिक डेयरी फार्म के उससे क्या संदेश देना चाहोगे भाई चाहे पांच की बजाय चाहे चार रख लो चाहे दो रख लो जी, अच्छे पशु रखो दूध भैंस तो भैंस का फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो मिल्क को है जी सुंदरता दूसरे नंबर पे आती है पहले तो अगर भैंस नहीं है ना तो चाहे वो कितनी है सुंदर हो जी कोई बेनिफिट नहीं है जी तो आप ये कोशिश करो कि कम से कम साढ़े चार हजार से पांच हजार छह हजार लीटर दूध का लैक्टेशन हो भैंस का वही भैंस जो है आपको कुछ बेनिफिट देगी बेनिफिट चाहे आप उसका उसकी ब्रीडिंग कर लो एक एक बच्चा आप अगर आम साधारण कटड़ा है तो उसने तो कटड़े वाले पाँच छह हजार का लेके जाओ एक वही साल भर का आपने एक लाख रुपए दे के जाओ है। एक लाख रुपए तो कटड़ी की भी ऐसे ही अच्छी डिमांड है अच्छे पशु होंगे अच्छे पशु की ही डिमांड है बाकी नॉर्मल पशु तो रखता ही रख के कोई खुश है ही नहीं आज के दिन देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई है सर ने अभी आपको मैं बात करूं सर नए साल के ऊपर मात्र अपने 20 महीने का मतलब बाईस तेईस महीने का कटरा है यानी कि दो साल का पूरा होया भी नहीं है वो तो उसको अभी नए साल के ऊपर पंचायत ने लिया है और मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और वो पाँच लाख सात हजार रुपये का मैंने सेल करे है सबसे बड़ी खुशी की बात है मैंने सर ग्यारह जो बुल अभी तक पंचायतों को दिए हैं कोई भी एक गांव की पंचायत ये नहीं कह सकती प्रवीण ने हमारे को मॉल करके दिया और दूसरी बात एक और उन गांव में कोई भी जो प्रवीण मुराफरम चैनल देखने वाला है उस गाँव में जाकर के एक बार ये पता कर सकता है जो प्रवीण फौजी के पास से बुलाए हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा दोस्तों चाहे मैंने मॉल खरीदा हो अपने घर पे तैयार करे और किसी कच्ची भैंस का मैंने कटड़ा खरीदने की कोशिश भी नहीं करी और हमेशा ये सोच रही है कि पंचायतों को दूं और अच्छा रिजल्ट मिले नहीं प्रवीण भाई मुरा के उसमें ब्रीडिंग में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आपका चैनल जो है वो बहुत अच्छी जानकारी देता है लोगों को साफ सुथरी और सही में अच्छे स... अगर YouTube से अगर किसी का भला हो रहा है तो फिर वो प्रवीण चैनल ही है बस धन्यवाद बाकी तो और देखता ही नहीं जी मैं भी चैनल तो बहुत हैं जी जी लेकिन फिर वो है बात है जी किसे कदे क्या ही ना प्रमोट करने लाए जाए कदे क्या ही ना प्रमोट करने लाए जाए सही मैं किसान की कोई बात करता ही नहीं जी अच्छे एक आम पशुपालक की कोई बात नहीं करता जी बिल्कुल बिल्कुल सर तो दो, दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप लोगों को फिर विश्वास दिलाता हूं इस चीज का कि हम हमेशा एक किसान के हित की बात करेंगे और जो भी होगा अच्छा दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे तो जो हम मल नसीब मलिक जी हैं मैं उनका फ़ोन नंबर आप लोगों को देता हूं किसी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं किसी प्रकार की नॉलेज लेना चाहते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी आप उनसे फ़ोन पर भी अनुभव ले सकते हो मेरा पक्का विश्वास है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बातें बताएंगे पशु के छोटे दस्त लगने का तरीका या बुखार हो जाए तो क्या हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबी बढ़ जाएगी तो मैं इसलिए आप लोगों को नसीब सरकार का कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ जिसे आप उसका अनुभव ले सकते हैं तो एक बार सर अपना नंबर बताइए चौरानवे छियासठ दो तीन चार चार पाँच छः तो ये सरकार नंबर है भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जय हिंद जय भारत जय गुरु